गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ NYB कलर करेक्टर फाउंडेशन कॉन्टोर एंड कंसीलर स्टिक। ये 4-in-1 स्टिक है एंड प्लस ये सुपर अफोर्डेबल है, इसीलिए मैं आज इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। purple.com ने मुझे इसके काफी सारे रेंज सेंड किए थे। सो जी हाँ, इनकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में हमें रिसीव हुई है। सो गाइज, ये प्रोडक्ट क्लेम करता है दैट इट ब्लेंड्स एफर्टलेसली, क्रीजलेस, स्मज रेजिस्टेंट। ये स्मज नहीं होता है, प्लस इट गिव्स नेचुरल कवरेज एंड इट इज ऑल्सो एनरिच्ड विद शिया बटर, जो अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं दैट इट्स प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं, प्लस मैन्युफैक्चरिंग डेट। एंड ये प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स के लिए। इसका जो MRP है वो है 175 rupees, बट आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी, आई गेस लेस देन 100 rupees में, बिकॉज purple.com में बहुत ही अच्छा ऑफर्स चल रहा है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जाकर purple.com की साइट विजिट करके देख लें कि सारे प्रोडक्ट्स पे वहां पे बहुत ही अच्छे ऑफर्स करेंटली चल रहे हैं। तो हमें ये इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव होता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर शेड नेम मेंशन किया गया है। अब मैं इसे ओपन कर लूंगी। ओपन करने के बाद यहाँ आप देखेंगे इस जो पैकेजिंग है वो इस तरीके की कंप्लीट ब्लैक पैकेजिंग है। यहाँ पर अगेन शेड नेम मेंशन किया गया है, प्लस इसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग है जिसे मैंने ऑब्वियसली रिमूव कर लिया था प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए। अगर ये स्टिकर रिमूव हो जाएगा तो आपके लिए शायद प्रॉब्लम हो सकती है जानने के लिए कि अंदर कौन सा शेड है, बिकॉज और कहीं भी इसका शेड मेंशन नहीं है। इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये इस तरीके के बुलेट फॉर्म में हमें रिसीव होती है। इस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया था जस्ट टू चेक कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल कैसा है, इसलिए इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। सो गाइज, ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमें पिंक अंडरटोन एंड येलो अंडरटोन दोनों अंडरटोन में रिसीव होते हैं। अगर आपका पिंक अंडरटोन है देन आप इस तरीके के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये शेड नंबर 4 है। ये मैं यूज करती हूँ एज अ कंसीलर बिकॉज इसका जो अंडरटोन है वो पिंक है। सो गाइज, जैसे कि प्रोडक्ट क्लेम करता है दैट ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है, ये काफी स्मूथ है इसे अप्लाई करना, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगा। एंड इसका जो कवरेज है वो काफी नॉर्मल कवरेज है, ये हाई कवरेज नहीं प्रोवाइड करता है। सो इस प्रोडक्ट हम इसे ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर की हेल्प से एंड देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है एंड इसका कवरेज कैसा है। तो यहाँ मैं इसे डैब मोशन में ब्लेंड कर लूंगी। सो गाइज, ब्लेंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे फेस से बहुत ही इजीली लाइक बहुत ही फ्यू डैप से बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है मेरे यहाँ पर हाथ पे। इसी तरीके से फेस पे भी आप ब्लेंड कर लें। इसका जो कवरेज है वो काफी श्योर है, बट आई गेस अगर आप दूसरी कोटिंग इसकी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं इसकी दूसरी कोटिंग अप्लाई करके आपके साथ शेयर कर लूं। अगर आपको थोड़ा हैवी कवरेज चाहिए देन आप 2 कोटिंग इसकी अप्लाई कर ले। सो हाँ, सेकेंड कोटिंग अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये नजर आएगा काफी। सो गाइज, यहाँ आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से मेरे हाथों में ब्लेंड हो चुका है एंड ये इस तरीके से नजर आएगा। प्लस ये जो शेड मैंने अप्लाई किया था ये अप्लाई किया है शेड नंबर 4, ये मैं एज अ कंसीलर यूज करती हूँ, बट अगर आपका स्किन टोन लाइट है आप इसे एज अ फाउंडेशन यूज करें एंड इससे लाइट शेड आप कंसीलर के लिए यूज करें। यहाँ पर इन्होंने काफी सारे शेड्स अवेलेबल किए हैं जो बहुत ही अच्छी बात है, लाइक डार्क से डार्क शेड भी अवेलेबल है एंड लाइट शेड्स भी अवेलेबल है। प्लस ये जो कॉन्टोर के शेड्स है ये भी अवेलेबल है, आप इस तरह की शेड से कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को भी मैंने यूज किया है, ये भी बहुत ही क्रीमी है, लाइक इन सबका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप इससे कॉन्टोर कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राउन शेड है, इससे लाइट शेड भी है शेड नंबर 13, इसे भी आप एज ए कॉन्टोरिंग यूज कर सकते हैं। ये भी ब्राउन शेड है बट ये थोड़ा सा लाइट है इस तरीके से। अब मैं इन सबके स्वॉचेस आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इनका जो शेड है वो किस तरीके का है। Hold me
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on गाइज, ये थे सारे शेड्स. आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्किन टोन के हिसाब से एंड परचेज कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे शेड्स जो है वो पिंक अंडरटोन में हैं एंड कुछ शेड्स जो है वो येलो अंडरटोन में. तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ये सारे शेड्स ऑप्ट कर सकते हैं. सो गाइज, ये जो क्वांटिटी हमें इसकी रिसीव होती है वो है 3.8 ग्राम्स, जो बहुत ही अच्छा है. एंड प्लस मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए ये जो कंटूर या फाउंडेशन स्टिक है ये बहुत ही अच्छा है. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे अप्लाई करने के बाद बहुत ही अच्छे से जो अपने फेस को बेकिंग कर लें, बिकॉज ये ऑयली स्किन के लिए आई डोंट थिंक इतने अच्छे फाउंडेशन है. मेरी जो स्किन है वो काफी ड्राई थी तो इसीलिए मुझे ये परफेक्ट लगे. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आप इसे अच्छे से अपने फेस को बहुत ही अच्छे से बेक कर लें. प्लस एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो कवरेज है वो काफी लाइट है, लाइक मीडियम कवरेज है. एवरीडे के लिए तो बेस्ट है ये फाउंडेशन, क्योंकि आपके स्किन पे काफी लाइट फील होता है. जब मैंने इसे अप्लाई किया मुझे काफी लाइट फील हुआ, मुझे जरा भी हैवी फील नहीं हुआ. इसलिए ये एवरीडे के लिए बेस्ट है. सो गाइज, ये थे मेरा एक मिनी रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में. अगर आपको पसंद आए देन मैंने इसकी परचेज लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप वहां पे जाके इसे क्लिक करके वहां से परचेज कर सकते हैं. एंड आप जरूर जाके एक बार चेक करें, बिकॉज purple.com में बहुत ही सारे ऑफर्स चल रहे हैं. तो मे बी आपको ये प्रोडक्ट या कोई भी और प्रोडक्ट बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा. सो गाइज, दैट्स इट फॉर द डेज वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम.